It's all right. Hush. So, hello, it's my name is Welcome to my YouTube channel, Epimoto Vlogs. So, guys, you guys are so good and you are so good. So, everyone, you guys know that the Indian market pe NS400 Bajaj company ki taraf se finally launch ho chuka hai. And this bike ke upar main details pe aap logo ke liye review video, ride review and mileage video already upload kar chuka hu, jisme aap logo ne bahut hi zyada comment kar rahe ho ki NS400Z ke sath Bajaj Dominar 400 pe kya guys aap logo difference milta hai, दोनों पे गाइस राइडिंग क्वालिटी कैसा मिलेगा, ब्रेकिंग कैसा है, पावर कैसा है एंड प्राइसिंग पे भी आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, दोनों बाइक किस राइडर के लिए सही होने वाला है एंड किस पर्पस के लिए आप लोग NS400 को बाई कर सकते हो एंड किस पर्पस के लिए आप लोग बजाज डोमिनर 400 को बाई कर सकते हो, हर एक चीज आप लोग डिटेल्स पे आज के इस कॉन्टेंट पे मिल जाएगा। एंड गाइस मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बजाज विशा का शोरूम, अगर आप लोग बजाज का कोई मशीन बाई करना चाहते हो डेफिनेटली गाइस इस शोरूम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सो गाइस सर, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आप करता रहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। एंड आज जो कंपटीशन होने वाला है ना गाइस, राइडिंग कंपटीशन होने वाला है, दोनों मॉडल को मैंने ऑलरेडी राइड कर चुका हूँ, मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एंड मेरा लास्ट वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि NS400 पे वॉवेल इशू है या नहीं उसके बारे में मैं गाइस डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, कंपटीशन को स्टार्ट करने से पहले की दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ की मिलता है दोनों मशीन पे ही वेव की है। पल्सर पे गाइस आप लोगों को पल्सर का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा एंड डोमिनर पे आप लोगों को डोमिनर का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। सो एवरीवन, डोमिनर पे आप लोगों को दो कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, ग्रीन एंड ब्लैक, एंड मेरे सामने खड़ी हुई है ब्लैक, मतलब फुल्ली मैट ग्रे कलर के साथ मिलता है। एंड जो न्यू बजाज पल्सर NS400Z है ना, एकदम ही नया लुक नया डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ है एंड इस बाइक में आप लोगों को फोर कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, इवन ही ब्लैक, रेड, देन मेटालिक पर्ल व्हाइट एंड पिट्री ग्रे, जो मुझे गाइस पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है एंड मेरे सामने आज है इवनी ब्लैक। सो चलो पहले लुक से स्टार्ट करते हैं। डोमिनर जो है गाइस ओल्ड लुक की तरह ही आप लोगों को मिलता है, डिजाइन में गाइस कुछ भी चेंजेस नहीं है, ग्राफिक्स वगैरह आप लोगों को ओल्ड लुक की तरह ही मिलेगा, इधर पे विंडशील्ड है, देन नकल गार्ड वगैरह मिलता है जो गाइस आप लोगों को लॉन्ग राइड करने के टाइम पे फायदा होगा। इधर पे देख पा रहे हो एक फिल्म चढ़ा हुआ है जिसके लिए थोड़ा रेनबो कलर थीम आप लोगों को मिलता है, फुल्ली गाइस ट्रांसपेरेंट है, नकल गार्ड की वजह से फ्रंट जो लुक है बहुत ज़्यादा ह्यूज एंड मस्कुलर लुक आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। टैंक जो है गाइस वो भी ओल्ड लुक की तरह ही आप लोगों को डोमिनर का ब्रांडिंग के साथ फुल्ली मैट ग्रे कलर एंड ये सब पार्ट जो है गाइस फुल्ली फाइबर के साथ है। रियर पैनल भी गाइस ओल्ड लुक की तरह ही आप लोगों को मिल जाएगा एंड इधर पे कंपनी फिटेड गाइस टॉप रैक प्रोवाइड करता है, कुछ भी सामान वगैरह इधर पे कैरी कर सकते हो। देन पिलियन जो बैठेगा उसका बैक रेस्ट मिलता है रबर कोटिंग के साथ, ये सब चीज़ गाइस आप लोगों को बजाज पल्सर NS400 पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्ट्रीट फाइटर आप लोग कह सकते हो। सो फ्रंट लुक जो है गाइस एकदम ही नया है, ब्रांड न्यू डिजाइन के साथ, दूसरा कोई भी कंपनी पे ऐसा कुछ डिजाइन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इग्निशन ऑन करते गाइस एलईडी DRL जो है वो ऑन हो जाता है एलईडी इंडिकेटर के साथ एंड इस मॉडल पे ना आप लोगों को हैजर्ड मिलता है कंपनी फिटेड, मतलब चारों इंडिकेटर को गाइस आप लोग एक साथ ऑन कर सकते हो जो डोमिनर 400 पर नहीं है। साइड पे जो काउल है उसके ऊपर NS का ब्रांडिंग एंड थोड़ा सा फ्लोटिंग डिजाइन आप लोगों को मिलता है, कारण फिनिश टच, ग्राफिक्स वगैरह आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा NS400 पर। रियर के साइड पे जो पैनल है वो थोड़ा NS400 की तरह है लेकिन डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है, जैसे देख पाओ इधर पे थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट डिजाइन मिलेगा जो NS400 पर नहीं है। नीचे के साइड पे भी आप लोग ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएगा, इधर पे टॉप रैक पिलियन बैकरेस्ट वगैरह नहीं है क्योंकि इस बाइक को लेके गए सब लोग सिटी कंडीशन पर राइड कर सकते हो एंड विंडशील्ड वगैरह नहीं है फ्रंट के तरफ, इधर पे NS400 का बैजिंग, इधर पे सिक्योरिटी नंबर फिट होगा एंड जो डोमिनर है ना उसका वाइजर के ऊपर मतलब विंडशील्ड के ऊपर इधर पे सिक्योरिटी नंबर फिट होगा। सो ये थोड़ा डिफरेंट है लुक गाइस, आप लोग कैसे लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना, वो थोड़ा आप लोगों को ज़रा बिग बाइक का फील देगा एंड ये जो मॉडल है नेकेड है एंड अगर आप लोग फ्रंट से देखते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा बिग बाइक फील आएगा क्योंकि साइड फेयरिंग जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है जिसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगेगा एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। सो चलो ये बात करते हैं लाइट सेटअप के बारे में। डोमिनर 400 पे जो फ्रंट के साइड पे जब भी आप लोग इग्निशन ऑन करोगे उस टाइम पे गाइस आप लोगों को इधर पे LED DRL देखने को मिलता है एंड इस वाले मॉडल पे LED हेडलाइट सेटअप प्रोवाइड किया है, प्रोजेक्टर नहीं है। सो जब हेडलाइट ऑन करोगे ऐसा कुछ लुक मिलेगा, हैजर्ड वगैरह नहीं है, इधर पे LED इंडिकेटर आप लोगों को मिल जाएगा एंड रियर के सेक्शन पे गाइस पहले की तरह ही ओल्ड लुक की तरह ही आप लोगों को स्प्लिट LED टेल लैम्प LED इंडिकेटर के साथ, जो सिक्योरिटी नंबर पर लाइट है वो भी गाइस LED है। सो इस मॉडल पर भी गाइस फुल जो लाइट सेटअप है वो LED मिलता है एंड अगर बजाज पल्सर NS400 की बात करूँ इस पर आप लोगों को LED DRL का जो डिज़ाइन है एकदम ही इंडियन मार्केट पे नया लुक है। देन इसके साथ साथ आप लोगों को मिल जाएगा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सो नाइट के टाइम पे गाइस ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा LED प्रोजेक्टर क्योंकि इसका फोकस गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हैजर्ड वगैरह मिल जाएगा एंड इस पर और एक फीचर्स है
अगर आप लोग मान लो हाईवे पे रुके हुए हो, अगर कुछ भी दिक्कत आए ना, उस टाइम पे हैजर्ड ऑन करके रखना ज़रूरत है। उस टाइम पे गाइस इग्निशन ऑन करके रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे देख पा रहे हो मैं इग्निशन को ऑफ करके की को निकाल दिया, फिर भी गाइस इंडिकेटर जो है ऑन है, मतलब हैजर्ड जो है ऑन है। इससे फायदा कि गाइस बैटरी ड्रेन नहीं होगा एंड इमरजेंसी पर्पज से आप लोग हैजर्ड को यूज़ भी कर सकते हो। एंड रियर लुक की बात करूँ, रियर टेल लैम्प गाइस इन्हें सोनेट की तरह ही एकदम सेम टू सेम स्प्लिट एलईडी टेल लैम्प एलईडी इंडिकेटर के साथ एंड सिक्योरिटी नाइपेट जो लाइट है वो भी गाइस आप लोगों को एलईडी मिलता है। सो इस वाले मॉडल पर भी गाइस फ्रंट से लेकर रियर तक जो लाइट सेटअप है फुल्ली एलईडी मिलेगा। सो चलो ही बात करते हैं दोनों मॉडल का सस्पेंशन सेटअप के बारे में। NS 400 गाइस 43mm डायमीटर के साथ USD फॉग प्रोवाइड करते हैं गोल्डन कलर टच के साथ, जिसके लिए लुक्स गाइस बहुत ही बढ़िया आ रहा है एंड प्रीमियम लुक मिलेगा। हेड टनर गाइस आप लोग अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा NS 400 पे, क्योंकि एकदम नया डिजाइन एंड नया लुक आप लोगों को मिलता है नेकेट के ऊपर। एंड रियर के साइड पे आप लोगों को प्रोवाइड करता है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो मल्टीपल एडजस्ट आपके हिसाब से आप लोग कर पाओगे। सेम गाइस आप लोगों को बजाज डोमिनर 400 पर भी फ्रंट के साइड पे 43mm डायमीटर के साथ USD फॉग प्रोवाइड करता है, लेकिन इस मॉडल पे आप लोगों को सिल्वर कलर कोटिंग के साथ देखने को मिलता है। ये भी गाइस अच्छा लग रहा है, मतलब ब्लैक ग्रे के साथ सिल्वर कलर कोटिंग। एंड रियर के साइड पे आप लोग प्रोवाइड करते हैं मोनोशॉक, जो गाइस आप लोग मल्टीपल एडजस्ट आपके हिसाब से आप लोग कर पाओगे। सो जब मैं राइड कर रहा था टूटे फूटे रोड पे, दोनों बाइक को मैं ऑलमोस्ट राइड कर चुका हूँ। सो उस टाइम पे ना गाइस जो डोमिनर 400 है वो थोड़ा स्टीप मिलता है फ्रंट एंड रियर। सो इससे फायदा है गाइस अगर आप लोग लॉन्ग राइड वगैरह करोगे ना, उस टाइम पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएगा। हाई स्पीड पे जब कॉर्नरिंग वगैरह करोगे उस टाइम पे स्टिफ सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा गाइस काम आता है। एंड जो NS 400 है उस पर गाइस आप लोग सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप मिलता है फ्रंट एंड रियर दोनों पे, गाइस सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा जार्क वगैरह आप लोग फील नहीं आएगा। सो अगर आप डेली कम्यूट करते हो बहुत देर से, अगर टूटे फूटे रोड पे राइड करोगे NS 400 पे कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन मिलता है। एंड डोमिनर पे मुझे थोड़ा बहुत हार्ड लगा। सो गाइस चलो ये बात करते हैं फ्रंट व्हील एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। फ्रंट के साइड पे आप लोगों को 320mm का लार्ज नॉर्मल सी रोटर देखने को मिलता है, ग्रामीण का ब्रेक कैलिपर है, डुअल चैनल ABS मिलेगा। एंड NS 400 पे गाइस ब्रेकिंग सिस्टम पे आप लोगों को मोड्स देखने को मिलता है जो डोमिनर 400 पर नहीं है। एंड जो फ्रंट व्हील है ना गाइस 110/70 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर प्रोफाइल गाइस अच्छा खासा फैट है, अलग डिजाइन आप लोग चेक कर लो, NS 200 की तरह ही आप लोगों को मिलेगा। रिम टेप भी आप लोगों को मिलता है रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ। एंड बजाज डोमिनर पे भी गाइस आप लोगों को 320mm का नॉर्मल सिलोटर देखने को मिलता है, लेकिन इस वाले मॉडल पे वाइब्रेट कैलिपर है, डुअल चैनल ABS मिलेगा, लेकिन ब्रेकिंग पे मोड्स वगैरह नहीं है। फ्रंट व्हील जो है गाइस 110/70 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर। एंड इस मॉडल पे ना नॉर्मल से अलॉय नहीं है, डायमंड कट फिनिश आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके वजह से लुक्स गाइस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन रिम टेप वगैरह नहीं है। एंड रियर के साइड पे दोनों मॉडल पर ही गाइस आप लोगों को 230mm का नॉर्मल सी रोटर के साथ डिस्क है, लेकिन डोमिनर पे वाइब्रे है। एंड NS 400 पे आप लोग ग्रामिया का ब्रेक कैलिपर मिलता है। सो अगर ब्रेकिंग की बात करूँ, NS 400 पे मुझे ब्रेकिंग बाइट ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा था, मतलब फ्रंट ब्रेक बाइट जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग आपके हिसाब से मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ऑफ रोडिंग मोड पे गाइस रियर ABS उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा रेन एंड रोड मोड पर। रियर डिस्क उतना ज़्यादा मुझे खास कुछ नहीं लगा NS 400 पे। एंड अगर डोमिनर की बात करूँ, ये थोड़ा हेवी बाइक है, बिग बाइक है। सो इस बाइक का मुझे फ्रंट एंड रियर दोनों ब्रेक पर ही कॉन्फिडेंस मिला, मतलब NS 400 से डोमिनर का जो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस है दोनों व्हील का ही बढ़िया है। एंड रियर के साइड पे NS 400 पे 140/70 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, एंड जो डोमिनर है उस पर 150/60 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर मिलता है। सो थोड़ा सा फैट टायर आप लोगों को डोमिनर पे मिलेगा। सो अभी बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। फुली डिटेल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है डोमिनर पे। इधर पे गाइस फ्यूल गेज, स्पीड, देन RPM मीटर शो करता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्नबटन, नेविगेशन वगैरह नहीं है, मोड्स वगैरह नहीं है इस वाले मॉडल पे। ट्रैक्शन कंट्रोल भी गाइस आप लोगों को डोमिनर पे देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी अगर वार्निंग से इधर पे आप लोगों को मिल जाएगा, ABS का वार्निंग या रिफ्यूलिंग का वार्निंग इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे प्रोवाइड करता है। देन टैंक के ऊपर और एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है, जिधर पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक एंड ओडोमीटर मिलता है। देन ट्रिप ए, ट्रिप बी, मतलब बेसिक से इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। इधर पर RPM लिमिटर का वार्निंग भी मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ में बजाज पल्सर NS 400 की बात करूँ, इस पर गाइस बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, कलरफुल डिस्प्ले है। एंड राइट साइड पर छोटा सा और एक डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर ही प्रोवाइड करेगा। एंड राइट साइड पर छोटा सा एक डिस्प्ले है, जिसपे आप लोगों को वार्निंग्स, टर्न बटन, नेविगेशन, देन व्हीकल इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, ट्रिप, बाइक, टाइम लैप इस डिस्प्ले को सेटिंग करने के लिए। एंड इसके ब्राइटनेस है, इसको भी गाइस आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो।
सो ऊपर के साइड पे आरपीएम, साइशन वार्निंग, क्लॉक, गियर पोजिशन इंडिकेटर एंड इधर पे देख पा रहे हो चारों मोड मिलता है, रोड, स्पोर्ट्स, रेन एंड ऑफ रोडिंग। रोड मोड एंड रेन मोड पे आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल को जो है ऑफ नहीं कर पाओगे, ऑफ रोडिंग मोड पे ऑफ कर सकते हो। एंड इधर पे टीसी देख पा रहे हो, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल का वार्निंग। सो इधर पे राइडिंग मोड को आप लोग इस तरह से सेटिंग कर पाओगे, फोर मोड्स देखने को मिलता है। देन एमटीसी मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए। देन इधर पे वार्निंग्स वगैरह अगर बाइक में कुछ भी दिक्कत है वो भी इधर पे आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों मॉडल पड़ी गई आप लोगों को यूएसबी चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी एक बढ़िया चीज़ है, लॉन्ग राइड करने के टाइम पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड इधर पे डोमिनर पे मोबाइल होल्डर वगैरह या कुछ भी माउंट वगैरह आप लोग इधर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी गाइस कंपनी फिट मिलता है जो NS400 पर नहीं है। एंड अगर स्विच क्वालिटी की बात करूँ, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का स्विच आप लोगों को मिल जाएगा NS400 पे, जैसे कि देख पा रहे हो इधर से जो बटन है इससे गाइस आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे, KTM का तरह आप लोगों को मिलता है। एंड राइट साइड पे इधर पे हैजार्ड किल स्विच एंड सेल्फ एसी के साथ बटन कर दिया है। एंड इधर पे डेडिकेटेड आप लोग हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन भी मिल जाएगा। एंड जो डोमिनर है उस पर गाइस ओल्ड लुक के तरह ही बेसिक सा स्विच मिलता है, किल स्विच, डेडिकेटेड हेडलाइट ऑन ऑफ एंड राइट साइड पे अपर डिपर पासिंग इंडिकेटर एंड हॉर्न का बटन मिल जाएगा। तो दोनों मॉडल पर ही गाइस स्लीपर हैंडल बार नहीं है, स्ट्रेट हैंडल मिलता है डोमिनर पर भी। एंड NS400 पे भी गाइस आप लोगों को पूरा ही स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है, स्लीपर नहीं है। सो अगर हैंडलिंग की बात करूँ गाइस NS400 जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आप लोग इजिली गाइस सिटी कंडीशन पर, ट्रैफिक कंडीशन पर फिल्टरिंग वगैरह कर सकते हो। एंड जो डोमिनर है ना उस पर मुझे थोड़ा हेवी लगा, मतलब हाईवे पे आप लोग जो राइड करोगे डोमिनर 400 उस टाइम पे बढ़िया है, लेकिन सिटी पे थोड़ा गाइस आप लोगों को दिक्कत आएगा क्योंकि थोड़ा सा हेवी हैंडलिंग मिलता है। एंड अगर राइडिंग पोस्चर की बात करूँ, एकदम ही अपराइट एंड कम्फर्टेबल राइडिंग पोस्चर आप लोगों को डोमिनर पर मिलता है। एंड जो NS400 है इस पर गाइस आप लोग थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर मिलेगा, मतलब थोड़ा सा आप लोग सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ता है 10 या 20%, क्योंकि फुट पेक्स थोड़ा पीछे की तरफ है। एंड थोड़ा सा आप लोगों को एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर मिलेगा NS400 पर। सो एवरीवन, अभी बात करते हैं इस दोनों बाइक का मेन पार्ट, मतलब हार्ट के बारे में, इंजन पे गाइस क्या पावर प्रोवाइड करता है, किस में ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कैसा फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। सो डोमिनर पे गाइस आप लोगों को BS6 कॉम्प्लाइंट OBD2 एंड फेज 2 का अपडेट के साथ DTSI टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बजाज का लोगो है, मतलब ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी इस वाले मॉडल पर नहीं है। 373 cc एंड पावर प्रोड्यूस करता है, 29.42 bhp एट दैट 8800 rpm एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 35 Nm एट दैट 6500 rpm। 6 gear ट्रांसमिशन आप लोगों को मिल जाएगा, सिर्फ टोक ऑप्शन है, हिल ऑप्शन नहीं है। एंड इधर पे गाइस फ्लैट रेडिएटर है, बहुत ही बड़ा सा आप लोगों को रेडिएटर मिलता है इधर पे, रेडिएटर प्रोटेक्शन देन लेग गार्ड, मतलब क्रैश गार्ड आप लोगों को अच्छा खासा सब प्रोवाइड करता है डोमिनर 400 पे। एंड जो NS400 है ना उस पे गाइस आप लोग सेम टू सेम ही इंजन देखने को मिलता है, मतलब पावर रेशियो एंड सीसी दोनों का ही गाइस सेम है। एंड इस पे भी आप लोगों को DTSI टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता है, स्लीपर क्लच गाइस दोनों मॉडल पर ही मिल जाएगा। एंड NS400 पे आप लोगों को मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, सो इससे फायदा है कि पावरफुल मशीन है, अगर आप लोग अचानक से थ्रॉटल खोलते हो रियर टायर गाइस स्पिन नहीं होगा, पावर कट कर देगा अगर आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहोगे उस टाइम पे। सो इधर पे आप लोगों को रेडिएटर सेम टू सेम देखने को मिलता है, कार्बन फिनिश टच है जो डोमिनर पर नहीं है। सो अगर पावर की बात करूँ, इनिशियल टॉर्क एंड इनिशियल बाइट गाइस NS400 मुझे ज़्यादा लगा, क्लच गाइस बटरी स्मूथ है क्योंकि इसमें स्लीपर क्लच मिलता है, क्विक रिस्पॉन्स आप लोगों को NS400 पर ज़्यादा मिलेगा, गियर शिफ्टिंग पे उतना ज़्यादा मुझे जार्ग वगैरह फील नहीं आया, लेकिन स्टेबिलिटी में मुझे थोड़ा दिक्कत आया, मतलब जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था 100 जब भी टच कर रहा हूँ ना उस टाइम में थोड़ा सा डिसबैलेंस एंड वॉबल कर रहा है हैंडल, ये पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरा जो बाइक है उस पर टायर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए भी हो सकता है। सो डोमिनर 400 पे गाइस आप लोगों को लोअर RPM पे, मतलब 1000 से लेकर 4000 या 5000 RPM तक उतना ज़्यादा एग्रेसिव पावर देखने को नहीं मिलेगा, जब भी आप लोग 6000 या 7000 RPM क्रॉस करोगे ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है, एग्रेसिव पावर उस टाइम पे आप लोगों को फील आएगा। इस पर गाइस क्लच वगैरह बढ़िया है, गियर शिफ्टिंग पे उतना ज़्यादा जार्ग वगैरह नहीं है, लेकिन 110-120 तक अगर आप लोग क्रूज करते हो उस टाइम पे गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, डोमिनर पे अच्छा खासा स्टेबिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। सो डोमिनर का ओवरऑल कार्गो वेट है 193 kg एंड ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को मिलता है 157 mm। सो सीट की अगर बात करूँ 800 mm का सीट हाइट है, स्प्लिट सीट है, सीट कुशनिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा गाइस सॉफ्ट है, राइडर एंड प्रीमियम सीट। एंड इसके साथ साथ अगर बजाज पल्सर NS400 की बात करूँ उस पर गाइस आप लोगों को 174 kg का कार्गो वेट मिलता है, जो बहुत ज़्यादा कम है डोमिनर से। एंड ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग प्रोवाइड करते हैं 168 mm, सो ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा NS400 पर। एंड इधर पर देख पा रहे हो बेली पेन मिलता है जिसके ऊपर 400 लिखा हुआ है, एंड ग्राफिक्स गाइस बहुत है डिफरेंट है, डोमिनर पर भी आप लोग देखने को मिल जाएगा, लेकिन इधर पे एल्युमिनियम का पार्ट है एंड साइड पे फाइबर, एंड ये जो पार्ट है गाइस ये फुल्ली आप लोगों को फाइबर का देखने को मिलेगा। सो ग्राउंड क्लियरेंस गाइस NS400 पर ज़्यादा है। एंड अगर सीट की बात करूँ इस मॉडल पे 807 mm का सीट हाइट है, NS200 के तरह ही आप लोगों को सीट मिल जाएगा, मतलब कुशनिंग वगैरह
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, राइडर एंड प्लियन सीट। टैंक भी गाइस आप लोगों को इन स्टोनट का ही मिलता है, सेम डिज़ाइन नहीं है, इधर पे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, लेकिन इधर का जो पार्ट है वो फुल्ली गाइस आप लोगों को इन स्टोनट की तरह ही मिलता है। फाइबर का साथ है। सो 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सिटी कंडीशन। इन स्टोनट पे आप लोगों को 28 से लेकर 32 तक अप्रॉक्स माइलेज प्रोवाइड कर देगा, एंड हाईवे पे उससे भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसका कार वेट थोड़ा कम है, 174 kg। एंड जो डोमिनर है इस पर आप लोगों को 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, ये जो पार्ट है फुल्ली गाइस फाइबर के साथ है। एंड डोमिनर पे माइलेज थोड़ा आप लोगों को कम देखने को मिलेगा इन सिटी कंडीशन, 25 से लेकर 28 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड हाईवे पे 30 से लेकर 32 तक, क्योंकि उसका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है इसके वजह से। सो गाइस अभी चलो बाइक करते स्टार्ट, एंड गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करवाता हूँ। NS400Z पे आप लोगों को पता ही है अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, सो इग्निशन करती इधर पे ऑन। सो ये जगह आइडल साउंड है, चलो वीडियो करके देखते हैं। तो अभी डोमिनर 400 को गाइस इग्निशन ऑन करके देखते हैं। एंड इस वाले मॉडल पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूज मस्कुलर डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिसके लिए लुक्स गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, जैसे देख पा रहे हो रियर से लुक गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस चलो अभी डोमिनर का इग्निशन ऑन करते हैं। सो ये जो है आइडल साउंड है, चलो वीडियो करके देखते हैं। सो डोमिनर का जो एग्जॉस्ट नोट है ना गाइस, रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस आप लोग बढ़िया मिलेगा, एंड बहुत ज़्यादा बेस प्रोवाइड करता है। एंड जो NS400 है इस पर आप लोगों को ज़्यादा स्पोर्टी एग्रेसिव साउंड आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। सो दोनों मॉडल में से आप लोगों को कौन सा बाइक का एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा बढ़िया लगा जरूर गाइस कमेंट करके बताना। सो एवरीवन चलो ये बात करते हैं इस बाइक का रियर प्रोफाइल के बारे में। सो रियर के साइड पर आप लोगों को सिंगल माउंटेड टायर हगर प्रोवाइड करता है जो डोमिनर पर नहीं है, एंड अंदर के साइड पर छोटा सा और एक मडगार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। एंड लाइट सेटअप तो मैं गाइस ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। सो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को साड़ी गार्ड मिलता है, लेडीज फुटरेस्ट वगैरह नहीं है, डुअल स्टैंड नहीं मिलेगा, सिंगल स्टैंड मिलता है। राइडर फुटरेस्ट जो है वो गाइस रबर कोटिंग के साथ फोल्डेबल, एंड पिलियन राइडर फुटरेस्ट भी आप लोगों को फोल्डेबल मिल जाएगा। बाइक थोड़ा गंदा इसके लिए गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड डोमिनर पर भी गाइस आप लोगों को अंदर के साइड पर छोटा सा मडगार्ड मिलता है, टायर हगर वगैरह नहीं है, ओल्ड लुक के तरह ही मडगार्ड मिल जाएगा। एंड लेफ्ट साइड पर गाइस आप लोगों को साड़ी गार्ड प्रोवाइड करते हैं, लेडीज फुटरेस्ट वगैरह नहीं है, ओपन चेन सेटअप मिलता है दोनों मॉडल पर ही। एंड साइड स्टैंड मिलता है, वही साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर डुअल स्टैंड इस वाले मॉडल पर भी नहीं है। देन इधर पे देख पा रहे हो पिलियन राइडर फुट टेस्ट, एंड राइडर फुट टेस्ट फोल्डेबल है रबर कोटिंग के साथ है। पेरीमीटर फ्रेम गाइस दोनों मॉडल पर यूज़ किया है, एंड जो पेरीमीटर फ्रेम डोमिनर पे मिलता है ना वही सेम टू सेम आप लोगों को NS400 पर भी यूज़ किया है, लेकिन इधर पे जो स्विंग आर्म है वो गाइस बॉक्स कटिंग मिल जाएगा, जो डोमिनर पे गाइस बॉक्स कटिंग इधर पर नहीं है। तो चलो एवरीवन अभी बात करते हैं दोनों बाइक के प्राइसिंग के बारे में। अगर आप लोग इन कोलकाता बजाज पल्सर NS400 को बाय करना चाहते हो सो ऑनवर्ड प्राइस है 2,22,780 rupees। एंड अगर आप लोग बजाज डोमिनर 400 को बाय करना चाहते हो इसको ऑनवर्ड प्राइस है 2,83 rupees। तो प्राइसिंग पे गाइस बहुत ही ज़्यादा आप डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो ये बात करते हैं कि राइडर के लिए कौन सा बाइक ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। सो अगर आप लोग ऐसा कोई बंदा हो सिटी पे उतना ज़्यादा राइड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग हाईवे पे ज़्यादा राइड करोगे एंड लॉन्ग राइड वगैरह करोगे, उस टाइम मैं गाइस रिकमेंड करूंगा आप लोग बजाज डोमिनर 400 को बाय करो, क्योंकि इस पर नकल गार्ड विंडशील्ड वगैरह मिलता है, देन टॉप रैक वगैरह आप लोग कंपनी फिटेड मिल जाएगा, पिलियन बैकरेस्ट भी कंपनी फिटेड छोटा सा आप लोग प्रोवाइड कर देता है। सो कुछ भी गाइस बाहर से एक्सेसरीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्रैश गार्ड वगैरह भी आप लोगों को मिल जाता है। सो हाईवे के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा गाइस आप लोग डोमिनर 400 को बाय करो, रोड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंड जो पावर रिस्पॉन्स है वो गाइस सिटी पे उतना ज़्यादा आप लोगों को फील नहीं आएगा, अगर आप लोग हाईवे पे राइड करोगे उस टाइम पे अच्छा खासा पावर रिस्पॉन्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। एंड जो बजाज पल्सर NS400 है सो अगर ऐसा कोई राइडर है जो हाईवे पे ज़्यादा राइड नहीं करेगा, सिटी पे ज़्यादा राइड करेगा, एंड मंथ में एक दो बार हाईवे पे राइड करेगा, उस टाइम पे मैं रिकमेंड आप लोगों को कर सकता हूँ NS400, क्योंकि इस पर पावर रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा है, हैंडलिंग गाइस बहुत ज़्यादा लाइट है। सो इससे फायदे ही गाइस आप लोग ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे इजीली फिल्टर वगैरह कर सकते हो, एंड डोमिनर पे थोड़ा सा हेवी हैंडलिंग आप लोगों को मिलता है, ब्रेकिंग पर भी गाइस आप लोग अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा क्योंकि मोड्स मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। सेफ्टी फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी वाइज बजाज पल्सर NS400 बहुत ही ज़्यादा आगे है डोमिनर से। सो जरूर गाइस कमेंट करके बताना इन दोनों मॉडल में से आप लोगों कौन सा बाइक को बाय करने वाले हो। सो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे जरूर एक लाइक कर देना, अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो गए, चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।